वेलकम बैक टू सीधा लॉजिक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज एज वेल एंड बाय माय सब्सक्राइबर्स एंड एवरीवन दैट आई टीच। सबका एक जरूरी क्वेश्चन यही आता है जब मैं उनको कंटेनर्स के बारे में पढ़ाता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईकेएस एंड ईसीएस। एंड इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है बिकॉज लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने वर्कलोड्स को एज अ कस्टमर मुझे अपने वर्कलोड्स को ईकेएस पे डिप्लॉय करना चाहिए या ईसीएस पे डिप्लॉय करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में दोनों में डिफरेंस समझेंगे जिससे कि आपको ये क्वेश्चन कभी भी आए तो आपके दिमाग में हमेशा रहे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा बात करते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है ईकेएस और ईसीएस में। पहला डिफरेंस हम समझते हैं होस्टिंग टाइप से। सो ईसीएस में आपके पास ऑप्शन है, राइट हैंड साइड वाला लोगो जो है वो है ईसीएस का एंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लोगो है वो है ईकेएस का। तो ईकेएस में हमारे पास ऑप्शन है कि मैं अपने पॉड्स को, ईकेएस के टर्म से हम बोलते हैं पॉड्स, राइट, क्यूबरनेटिस पॉड्स, मैं क्यूबरनेटिस पॉड्स को या तो अपने वर्कर नोड्स दैट इज ऑन EC2 पे डिप्लॉय कर सकता हूँ या तो मैं उनको फार्गेट पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। फार्गेट का मतलब क्या है, दैट आर द कंप्लीट सर्वरलेस होस्टिंग विच इज मैनेज बाय AWS। एंड ECS के टर्म्स में भी सेम है, मैं अपने टास्क को, ठीक है, ECS के टर्म्स में हम बोलते हैं टास्क, मैं अपने टास्क को EC2 पे डिप्लॉय कर सकता हूँ या फिर फार्गेट पे। ठीक है, फार्गेट का मतलब वही कंप्लीट सर्वरलेस ऑफरिंग, आपको सर्वर्स मैनेज नहीं कर रहे, AWS आपके सर्वर्स खुद मैनेज करता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस समझते हैं। तो ये EKS आर्किटेक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपको और इन डेप्थ ईकेएस का आर्किटेक्चर समझना है तो आप यहीं लिंक आ रहा होगा अभी कहीं ऊपर नीचे, तो आप उस पर क्लिक कर लो और जाके आर्किटेक्चर की वीडियो इन डेप्थ समझ लो। बट मैं अभी आपको इसमें एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ईकेएस में क्या होता है, ये कंट्रोल प्लेन है, ये जो कंट्रोल प्लेन होता है ये AWS मैनेज करता है, ये आपको अपने AWS कंसोल पर विजिबल नहीं होता। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो VPC है ये कस्टमर बनाता है, कस्टमर अपने वर्कलोड यानी EC2 डिप्लॉय करे VPC के अंदर। और कम्युनिकेशन कैसे होता है इस डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन के बीच में, वाया ENI और वाया नेटवर्क लोड बैलेंसर। एंड दैट डिपेंड्स कि आपने अपना EKS का क्लस्टर का एंड पॉइंट पब्लिक रखा है या प्राइवेट रखा है। ठीक है, तो ये इंटरनल नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, ये भी आपको अपने अकाउंट में विजिबल नहीं होता, ये सब AWS मैनेज करता है। जो जब भी आप अपनी कमांड्स रन करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है वाया नेटवर्क लोड बैलेंसर टू योर कंट्रोल प्लेन। आपके कंट्रोल प्लेन में क्या क्या चल रहा है, आपके कंट्रोल प्लेन में चल रहा है आपका HCD, API सर्वर, कंट्रोल मैनेजर एंड सो ऑन। कूल, तो ये सब चीजें जो है EKS के टर्म्स में, इनको ऐसे समझो आप कि एक डेटा प्लेन है, कंट्रोल प्लेन है, डेटा प्लेन मैनेज कर रहा है कस्टमर, कंट्रोल प्लेन मैनेज कर रहा है AWS, और उसी कंट्रोल प्लेन का कुछ आपको चार्ज देना पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि कितना चार्ज है कंट्रोल प्लेन को मैनेज करने का जो AWS लेता है आपसे। ठीक है, चलो यह है EKS का आर्किटेक्चर। अब हम बात करते हैं ECS के आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ECS में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका यूजर मैनेज कर रहा है, अगर अपना एनवायरमेंट CLI से मैनेज कर रहे हो तो ये है आपका ECS में। आप अपना क्या चलाते हो, टास्क, मैं आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा और। तो हाँ, तो ECS में क्या है, आपका कंटेनर चलता है टास्क के अंदर, ECS में आपका कंटेनर चलता है पॉड के अंदर। आप अपनी इमेज पुल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो सबनेट हैं, आपने कैपेसिटी प्रोवाइडर्स बना रखे हैं। तो कैपेसिटी प्रोवाइडर कुछ नहीं होता ECS के टर्म्स में, आप उसको समझो कि जो ऑटो स्केलिंग आपके जो EC2 की ऑटो स्केलिंग करता है वो कैपेसिटी प्रोवाइडर है। बट मेन थिंग यहाँ पे वही है कि ECS में भी कंट्रोल प्लेन होता है। ठीक है, ECS में भी कंट्रोल प्लेन है, बट वो कंट्रोल प्लेन का चार्ज आपको AWS नहीं लेता आपसे। AWS की खुद की एक ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस बनाई और उन्होंने बोला कि दैट विल बी कॉल्ड एज ECS। ठीक है, और एक क्यूबरनेटिस के लिए मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, EKS। तो AWS की खुद की नेटिव कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस क्या है, ECS, उसमें भी कंट्रोल प्लेन है बट AWS का उसका कंट्रोल प्लेन को मैनेज करने का आपसे चार्ज नहीं लेता, वेयरएज EKS में वही कंट्रोल प्लेन मैनेज करने के लिए आपका AWS आपसे चार्ज लेता है। कूल, तो ये है आपको कुछ ECS का आर्किटेक्चर। इसमें अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लेन शो नहीं हुआ है बट डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ डेटा प्लेन है। ठीक है, बिहाइंड द हुड एक कंट्रोल प्लेन भी चल रहा है, जो आप कमांड्स टाइप कर रहे हो CLI से वो जाके कंट्रोल प्लेन में ऑथेंटिकेट होती हैं। ओके, तो वही आपका कंट्रोल प्लेन में भी आपका सर्वर्स, कुछ API सर्वर्स वगैरह होते हैं जो कि आपके रिक्वेस्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है, पर उसमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है भी नहीं और ना हम उस बारे में बात करेंगे। बस हमें ये समझना है कि ECS में भी कंट्रोल प्लेन है। कूल, चलो अब हम मेन डिफरेंस समझते हैं इनके टर्मिनोलॉजीज में कि क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं EKS में, क्या क्या टर्म्स यूज होती है मेरे ECS में, ECS में।
तो EKS क्या है? इट इज क्यूबरनेटिस ऑन AWS, और ECS क्या है? AWS की खुद की एक ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस। EKS में मैं अपने कंटेनर्स कहाँ चलाता हूँ? पॉड के अंदर। ECS में मैं अपने कंटेनर्स चलाता हूँ टास्क के अंदर। पॉड्स को मैनेज करने के लिए EKS में क्या यूज होता है? डिप्लॉयमेंट, मतलब इट विल मेक श्योर दैट अगर आपने डिप्लॉयमेंट का रेप्लिका काउंट आपने 3 सेट करा है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिप्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिजायर्ड स्टेट को मेंटेन करें, यानी आपके हर एक पॉइंट पर 3 आपके पॉड्स जो हैं वो चलेंगे। अगर एक पॉड बंद हो जाता है तो डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली दूसरा स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसी तरह ये चीज जो ECS में मैनेज करता है वो होती है सर्विस। ECS सर्विस का काम क्या है? कि हमेशा आपकी डिजायर्ड स्टेट को अचीव करना। कुल तो हमेशा ECS सर्विस मेक श्योर करेगी कि अगर आपका एक टास्क बंद हो गया है, आपने अपने सर्विस का डिजायर्ड काउंट 3 सेट करा है, बट एक टास्क बंद हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो हमेशा ECS सर्विस ऑटोमेटिकली एक टास्क स्टार्ट कर देती है खुद से। आपके EKS में क्या करते हो कि अपना जो भी पॉड का टेम्पलेट होता है, यानी YAML फाइल, कितने रेप्लिकास चलाने हैं, कौन सी इमेज यूज करनी है, कौन सी यूजर से चलाना है, ठीक है, वो सब कुछ आप एक YAML फाइल में डिफाइन करते हो। वही चीज़ आप ECS के अंदर एक टास्क डेफिनेशन में डिफाइन करते हो। टास्क डेफिनेशन में आपको क्या क्या आता है? आपको कौन सा नेटवर्क मोड यूज़ करना है, ठीक है, आपको कौन सी इमेज यूज़ करनी है अपने कंटेनर के लिए, इमेज को कहाँ होस्ट करना है, ठीक है, और आपको कोई इसके साथ कोई फाइल सिस्टम इंटीग्रेट करना है, नहीं करना है, EFS यूज़ करना है, नहीं करना है, वो सब कुछ आप अपने टास्क डेफिनेशन में डिफाइन करते हो। और EKS में क्या, एक सिंपल सी आप YAML फाइल बनाते हो, उसमें सब कुछ लिख देते हो, और ये सब काम आप अपने ECS के अंदर, देखो EKS में पॉसिबल नहीं है ये UI से करना, ECS में सब कुछ आप UI से कर सकते हो। मतलब आप कंसोल पे जाओगे और आपके पास सारा ऑप्शन आ जाएगा कि आप सब कुछ कंसोल पे जाके ही कॉन्फिगर कर सकते हो, आपको CLI से करने की नीड नहीं है, ठीक है। कंट्रोल प्लेन इज मैनेज बाय AWS EKS में, और यहाँ पे भी ECS में कंट्रोल प्लेन इज मैनेज बाय AWS। नेक्स्ट हम समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो EKS है उसमें कंट्रोल प्लेन को मैनेज करने के लिए AWS सबसे कुछ चार्ज लेता है, एंड दैट इज 0.10 सेंट्स पर आवर, ओके। एंड ECS में कंट्रोल प्लेन चार्ज मैनेज करने का AWS सबसे कोई चार्ज नहीं लेता है, ठीक है। एंड अगर आप कॉस्टिंग की बात करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप अपने वर्कर नोड्स को EC2 पर डिप्लॉय कर रहे हैं, EBS यूज कर रहे हैं, तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। ECS में क्या, कंट्रोल प्लेन कोई चार्ज नहीं है, बस आपका वही उनका चार्ज है जो आप अपने EC2 EBS वॉल्यूम IPs वगैरह यूज कर रहे हो, उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। कूल। और जो ऑफिशियल CLI है EKS का, वो है EKS CTL, तो आप EKS इजिली मैनेज कर सकते हो अपने EKS CTL CLI से। और ECS में आप सिंपल आप अपने UI से मैनेज कर सकते हो। दैट इज द मेन वन ऑफ द मेजर डिफरेंस ऑल्सो, कि ECS इज मोर सिंपलर टू यूज, आप सारा काम आपका UI से हो जाता है, वेयर एज EKS मैनेज करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि हमेशा एक EKS CTL ही CLI यूज करें, बिकॉज दैट इज ऑफिशियल CLI एंड दैट इज ऑल्सो मोर सिंपलर टू यूज। बट जो बंदे CLI में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो दे कैन ऑल्सो कंसिडर टू यूज ECS। चलो अब हम बात करते हैं कि वो कंपनीज जो कि EKS यूज कर रही हैं आज के टाइम पे, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई आपकी, स्नैपचैट, वेराइजॉन, स्काई स्कैनर, एक्सवे, पियर्सन, गो डैडी, ये कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैं आपसे कहूँगा कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी जितने भी बड़े आर्किटेक्चर वाली, नेटफ्लिक्स ले लो, नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो यूजिंग EKS, राइट। सो जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो सब अपना वर्कलोड EKS पे चला रही हैं, ठीक है। और EKS इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टेक्नोलॉजीज राइट नाउ, तो EKS को सीखना मैं बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज के टाइम पे EKS सिंपल, अगर आपको क्यूबरनेटिस भी अच्छे से आता है तो आप अपने फील्ड में एज अ डेवॉप्स इंजीनियर भी एक्सेल कर सकते हो, और यू कैन हायर इवन एज अ क्यूबरनेटिस इंजीनियर एज वेल, ठीक है। तो इसी रीजन से मैंने आप अपने भाइयों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, दैट विल गिव यू ब्रीफ इंसाइट्स। मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, आपको जीरो एक्सपीरियंस है EKS के साथ, तो दैट कोर्स विल टेक यू फ्रॉम जीरो एंड विल मेक यू एन हीरो इन EKS। उसमें सारे मेजर कॉन्सेप्ट कवर्ड हैं EKS के, तो आप वो कोर्स यूडीमी पे चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड दैट इज द हाईएस्ट रेटेड ऑन यूडीमी। आप जाके मैं स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी चेक कर सकते हो, जिन लोगों ने ये कोर्स बाय करा है, जिन लोगों ने कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, आप उनके रिव्यूज चेक कर सकते हो। एंड दिस कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू हैव जीरो नॉलेज ऑन EKS एज वेल। आपको इस कोर्स खत्म करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने वर्कलोड्स, एप्लीकेशन वगैरह EKS पे डिप्लॉय करने लग जाओगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इसमें, ठीक है। आपका EBS, ESS, CSI ड्राइवर, इंग्रेस सर्विसेज,
मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, सिक्योरिटी सिक्योर कैसे करते हैं अपनी ई केस कस्टमर को, सारे के सारे मैंने टॉपिक्स इसके अंदर डाल दिए हैं सिर्फ अपने भाइयों के लिए। आप जाओ अभी इस कोर्स को लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन से जाके, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको उसमें फ्लैट, अभी तो मुझे पता नहीं उस कूपन से कितना डिस्काउंट मिलेगा, बट आपको बहुत भारी छूट मिल जाएगी। तो प्लीज गाइज इतना सपोर्ट कर दो, अगर आपको ई केस सीखना है तो आपने आपका कोर्स निकाला, जाके अभी के अभी जाके उस कोर्स को बाय कर लो। एंड कोई भी डाउट आता है तो मैं आपके लिए वहीं पे हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे @SeeTheLogic। कोई भी डाउट होता है मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ कंपनीज जो कि ECS यूज कर रही हैं, ठीक है। ऑटोडेस्क, क्लूक, वोल्सवैगन ग्रुप, स्नोप, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि अभी ECS यूज कर रही हैं करेंटली, ओके। तो ECS भी, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि ECS की अडॉप्शन कम है, बट ऐसा नहीं है, ECS की अडॉप्शन भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो कि EKS से ECS से माइग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ECS भी वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, लाइक ऑटो स्केलिंग, सिक्योरिटी, लोड बैलेंसर इंटीग्रेशन, सब कुछ आप कर सकते हो ECS के अंदर। और मैं ECS के ट्यूटोरियल की लिस्ट बहुत जल्दी निकालने वाला हूँ, तो अगर आपको ECS सीखना है तो स्टे ट्यून्ड अभी जाके प्लीज। अगर भाइयों मेरे, मैं अपने चैनल की स्टैट्स बताऊं तो 95% वो लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं बट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अपने एंड तक देखिए तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आने वाली वीडियोज सिर्फ और सिर्फ AWS, Kubernetes, DevOps होने वाली है। मैं इंटरव्यू सीरीज निकालने वाला हूँ, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, आपको कैसे करना चाहिए, क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, मैं सारी सीरीज निकालने वाला हूँ, और कंटेंट बहुत ही धांसू होने वाला आने वाली वीडियोस का। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां मैं एक्टिवली रील्स डालता रहता हूँ इंटरव्यू सीरीज की, वहां पे भी आपको मेरे सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, बट अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।